मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 31 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और करैक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और करैक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? और उत्तर में बाबा ने समझाया कि बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं, उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। मुरली का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं रे। ओम शांति। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी जैसे एक प्रार्थना है, परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं, तो नैनहीन हुए ना। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं कि त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं, साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है? भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं कि वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं, तो ज़रूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। तो बच्चों को बाप ने समझाया है कि ये सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, सबका टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सत्युग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो, वह है टावर ऑफ नॉलेज, तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। यह फिर है टावर ऑफ दुख धाम, हर बात में इंसॉल्वेंट है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है, इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सत्युग, वह सुख का टावर है और वह शांति का टावर है, यह दुख का टावर है। यहाँ अथाह दुख है, सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थक्विक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है, बाकी टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत हैं जो पूरा समझते ही नहीं, बिंदी समझें क्या समझें। अरे, जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। आत्मा को जानते हो ना, वह लक्की सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है, इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। पुराने स्वभाव को, करैक्टर्स को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य भल गाते हैं कि वेद, शास्त्र, गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खलास है।
अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, कोई की नहीं भी भरती है। सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा ज़रूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, फिर अगर विकार में गया तो अक्ल चट। यह काम महाशत्रु है, एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं। यह बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं, यह है कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़, उनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म हैं, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, दो का एक जैसा पाठ हो ना सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, विचार करो कि कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है तार पर, ऐसे नीचे उतरती हैं, यह भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं, ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते हैं। यह समझ भी बच्चों को अब मिली है, ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती जाती हैं। इस खेल में तुम पार्टधारी हो, मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर होते हैं ना, मुख्य तो है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं, लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं, अब तुम समझते हो कि सत्युग में यह ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है वैसे वहाँ पवित्रता सुख शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है, जैसे तुम्हारी आत्मा ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़ी होगा, वह भी बिंदी है, तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। यह ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे, जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है जो रिपीट होता है ना, आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता, सबको पार्ट बजाना ही है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं, जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए, आप समान बनाना है। तुम सब टीचर हो, टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं, ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो। फिर तुम चले जाएंगे यह भी तुम समझते हो, वो लोग तो जानते नहीं ना, सदगति दे सकते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना, लिबरेटर गाइड भी वही है। तुम जब वहाँ से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है, बाप गाइड भी अभी बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो, अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। अशरीरी भव, तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है, शरीरधारी तो है ना, जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे। शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं, और उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी हैं, ये है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं, खर्चा करते करते जैसे कि खाली हो पड़े हैं, चांदी सोना हीरा सब खलास हो गए हैं। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा, तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है, तुम्हारा पार्ट चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं जो पहले पहले आते हैं। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस,
तो कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं, जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है, झाड़ कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से झड़ जाते हैं, ये तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं, ज्ञान मार्ग में है एक, सो भी नॉलेज बुद्धि में है, बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे। आत्मा तो सितारा है ना, तो यह भी समझने की बातें हैं, आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं कि बाबा हमको साक्षात्कार हो, वैकुंठ देखे, परंतु देखने से मालिक थोड़े ही बनेंगे। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ, जानते थोड़े ही हैं। जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वही कहती हैं, आत्मा को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। यह जो शांति मांगते हैं, तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कई समझते भी हैं कि ये एक्यूरेट कहते हैं, वह समय भी आएगा। लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे, बाकी ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा गंगा निकली। ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं यहाँ से गंगा निकल आई, गौमुख भी बनाया है। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। वह जड़ देलवाड़ा और यह है चैतन्य, उसमें ऊपर बैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। ऊपर राजाई के चित्र हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि ऊपर स्वर्ग है। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं कि ये हमारे ही विनाश के लिए हैं, कहते हैं ऐसे करेंगे तो ज़रूर विनाश होगा। लिखा भी हुआ है कि महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे। सतयुग में है ही एक धर्म तो ज़रूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे, यह भी बच्चे जानते हैं। भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं है, जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की, तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है, सृष्टि पा कैसे फिरता है, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह भी बाप ही समझा सकते हैं। नॉलेजफुल भी बाप है, मनुष्य समझते हैं वह सबके दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो ज़रूर हमको मिलेगा। बाप थोड़ी बैठ दंड देंगे, यह ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। इनके आधे मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, अपने को आत्मा समझें, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ, गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो, और सेकंड पॉइंट है सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। बाबा ने आज वरदान दिया सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की सेवा का, प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना,
श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। ओम शांति। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। उसके लिए बाबा ने कहा, जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहते भी सभी की नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।